बहुत 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 भाई। अब जैसे नोट आने शुरू हो गए तो मेरा बेटा, अब पूरे मोहल्ले में सबको मिलवा रहे हैं कि ये मेरा बेटा है। पैसा नाम स्टैंड कैसे पड़ा तेरा? एमसी स्टैंड। स्टैंड ऐसा मतलब सर, अभी बोलने गए तो हाफ शैतान का है, हाफ इंसान का है। अच्छा मतलब हाँ। तो ऐसे ऐसे दो कैरेक्टर है, नेगेटिव पॉजिटिव, उनको लेके बनाया सर मैंने। और मेरा असली नाम है अल्ताफ। एमसी स्टैन, एमसी स्टैन, माइक कंट्रोलर स्टैन। मैंने एमसी का कुछ अलग ही मायने निकाल लिया था। तेरा चानन वरका दिल काली रात को है, रोटी ते काला तेल जो पौंदा सी बात है, कथा ना कथा नी। सो हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होगे। तो आज हम एक ऐसे शो के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ पे ऐसा लगता है कि बहुत सारे जानवरों को जो है वो एक साथ लाकर छोड़ दिया है लड़ने के लिए। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस शो में जो है वो इतने छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, जैसे कि खाने को लेकर, या फिर फ्रूट्स को लेकर, या फिर कॉफ़ी को लेकर, या फिर ऐसे मुद्दे जो कि इतने छोटे छोटे मुद्दे होते हैं उन्हें भी इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है इस शो में। तो आप लोगों को जो है थंबनेल एंड टाइटल से पता लग ही गया होगा मैं जो वो बिग बॉस की बात कर रहा हूँ। तो गाइस, हम जो है वो बिग बॉस से रिलेटेड ही जो है कुछ फनी मोमेंट्स के बारे में जो है बात करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, एंड अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। Why they call us confession room? I got $500 in cash. Yes, big boss. साजिद जी, अब्दू हमारे देश में मेहमान हैं जी, और इन्हें हिंदी नहीं आती है। भाई सबसे पहले तो मेरे को यही जानना है कि बिग बॉस जो है एक हिंदी रियलिटी शो है, एंड इसमें जब उन्हीं बंदों को बुला लिए जिन्हें जो है हिंदी नहीं आती, तो भाई शो कैसे चलेगा भाई? एक बार मेरे को तो ये तो बता दो कम से कम। अगर आपको पता लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बिग बॉस, बिग बॉस देखो please. ये हमारे देश का मेहमान है। Oh my God! Wow! अगर ये बोल रहा है कि छोटे छोटा वेट दे दो तो why wait? Just send the weight. Only two or three it's fine. Two or three? Not more than that. Please. Otherwise, very all problem lifting, back going, hernia. मतलब लॉजिक की मच। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। One hour later. ऊंचे लोग हैं ऊंचे। तो सुना ना ऊंच ऊंचा, ऊंच की पूंछ ऊंची, ऊंटे ऊंच की ऊंची पूंछ, वो वाला सिस्टम है। बाबू भैया तुम ठीक हो? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। पहली चीज जो यहाँ बदलेगी वो है सुबह उठने का तरीका। अच्छा ठीक है भाई, मुझे कोई ये बता दो कि सुबह उठने का तरीका कैसे बदल सकता है भाई? आदमी तो नॉर्मली उठता है भाई, इसमें उठने और जागने का तरीका मेरे को समझ नहीं आया भाई, कैसे वो चेंज हो सकता है भाई? इसको बना लेंगे। इनको क्या ही पता है। और भाई अभी तो एक और चीज देखना, 5 मिनट में जब इनकी लड़ाई भी सॉर्ट हो जाती है एंड इनका राजीनामा भी हो जाता है। काम टाइम पे करो ना यार। करता ना, क्योंकि हम तो किसी के नौकर नहीं है ना, अपना काम टाइम पे कर रहे हैं ना यार। नौकर नहीं, तो करने का यार, अपना एटीट्यूड सही रखने का। ए ब्रो, तेरे को बोला मैंने नौकर है तू? नहीं तो अपना एटीट्यूड सही रखने का। काय का एटीट्यूड? सो रहा क्या ब्रो चेयर पे? बाबू भैया तुम ठीक हो? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मैं तेरे को बोला क्या एटीट्यूड दिखा रहा तू ब्रो? तू अभी बोला यहाँ खड़े होके एटीट्यूड पे बात कर रहा है। तुमको मालूम अभी रियान हमको गाना बजाओ। ऐसे बात मत कर रहे ब्रो, मैं भाई मैंने ऐसे बात नहीं किया तुझसे। मैं तेरे से तेरा अपना तरीका बात करने का, मेरा अपना ना खत्म ना भाई। मेरा कैसा लगा मेरा मजाक? भाई सही में भाई, मुझे तो शो के बारे में ही समझ नहीं आया भाई, इतना सब कुछ भाई एक साथ भाई क्या ही करूं भाई मैं, मेरा तो दिमाग खराब हो गया भाई। 2 मिनट में इनकी लड़ाई भी सॉर्ट हो जाती है, 2 मिनट में इनकी लड़ाई फिर से चालू हो जाती है, बस लड़ाई करते रहो और सॉर्ट करते रहो भाई पूरे शो में। ये इनके मुझे मेन थीम यही लगते है कि इनका इसका नाम बिग बॉस नहीं होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए लड़ाई करते रहो, लड़ाई सॉर्ट करते रहो, लड़ाई करते रहो, लड़ाई सॉर्ट करते रहो भाई। इतना तो क्योंकि सास भी कभी बहुत ही में नहीं होता था भाई, जैसे उसमें बोलते थे रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, बट उसमें तो फिर भी टाइम लेते थे रिश्तों के रूप बदलने में। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं।
यहाँ पे तो भाई 2-3 मिनट में ऐसे बदल जाते हैं ना गिरगिट की तरह रंग, भाई समझ ही नहीं आता भाई मेरे को तो। तो गाइस बस आज के लिए जो वो इतने ही वीडियो रखते हैं। अगर आपने अभी तक भी जो वो नीचे लाल कलर का बटन नहीं दबाया ना सब्सक्राइब का, तो फटाफट जो वो दबा दो। तो गाइस हम जो वीडियो को यहीं पे ही खत्म करते हैं। तो जो मैं आज का टारगेट रख रहा हूँ 10,000 लाइक्स का, मुझे पता है आप जो वो चुटकियों में ये जो वो टारगेट को अचीव कर लोगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे सेफ। और गाइस मुझे पता है कि आपने जो इस वीडियो को इसलिए क्लिक किया था क्योंकि आप जानना चाहते थे बिग बॉस की जो फनी मिस्टेक्स के बारे में। तो अब मैं जो आपको एक एक करके जो बिग बॉस की जो कुछ मिस्टेक्स के बारे में बता देता हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल सब जानना है इस बड़वे को, हरामी कहीं का। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।